From the city of Chennai in India, we welcome you to the Divine Connection. भारत देश के चेन्नई शहर से हम डिवाइन कनेक्शन संपर्क में आपका स्वागत करते हैं हमारा प्रोग्राम चेन्नई के शहर में रिकॉर्ड किया जाता है And it is presented in three different languages. और ये तीन अलग अलग भाषाओं में प्रसारित किया जाता है It's translated into Tamil. इसका अनुवाद तमिल में होता है Also Telugu and Hindi. और साथ ही तेलुगु और हिंदी भाषा का में भी इसका अनुवाद होता है एंड यू विल फाइंड द टेलीफोन नंबर्स शोन इन आवर प्रोग्राम आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत के लिए आप अलग अलग नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड देर आर सेपरेट नंबर अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप अलग अलग भाषा में दिए गए जो अलग अलग नंबर है उन पर हमें फोन कर सकते हैं एंड प्लीज डू दैट और कृपया आप ऐसा कीजिए एंड इफ यू रिमेम्बर लास्ट वीक वी स्टार्टेड विद बुक ऑफ जेम्स आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने याकूब की पत्री का अध्ययन शुरू किया द बुक ऑफ जेम्स इज द most uh प्रैक्टिकल बुक फाउंड इन द न्यूमेंट सेक्शन और नए नियम के भाग में याकूब की पत्री तो सच में बहुत ही व्यवहारिक ऐसी पत्री पाई जाती है एंड इट टॉक्स अबाउटेशन दट गो थ्रून लाइफ और ये हमारे जीवन में जिन परीक्षाओं में सम होकर जाते हैं उसके बारे में हमें बताती है एंड टूडे वी वॉन्ट टू फोकस ऑन द नेक्स्ट सेक्शन दट इज फाउंड इन दर्स्ट चैप्टर ऑफ जेम्स आज हम अगले भाग को देखेंगे जो कि याकूब की पत्री अध्याय एक में पाया जाता है एंड इन दर्सेस 5 to 8. Uh, chapter 1, verses 5 to 8. Let me read it for you. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That आइए पढ़ते हैं याकूब की पत्री अध्याय एक वचन पांच से लेकर वचन आठ तक एक साथ इसे हम पढ़ते हैं पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे जो बिना उल्हा दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है Friends, All of us have. मेरे दोस्तों ये वचन तो हम सब की जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है उसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण है और खास करके परीक्षाओं के समय में ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है बिकॉज इन द फर्स्ट फोर pure जॉय my ब्रदर्स when you face Of kinds. क्योंकि पहले चार वचनों में कहता है कि भाइयों जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ते हो तो इससे बड़े आनंद की बात समझो। the इन uh, you यू बेसिकली डिपेंड ऑन wisdom यू हैव तो जब तुम्हें बुद्धि की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे पास जो बुद्धि है उस पर तुम आधारित रहते हो Sometimes, you यू नो वेन यू गो थ्रू ट्रायल्स for? आई नीडीवरेंट जब आप कई बार परीक्षा में से जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं मुझे तो बस छुटकारा चाहिए आई नीड स्ट्रेंथ मुझे बल चाहिए आई नीड अदर पीपल सपोर्ट मुझे दूसरों की सहायता चाहिए और यू मे थिंक बट मोर देन दैट You need wisdom from God. शायद आप ये सोचे कि मुझे इन सारी चीजों की जरूरत है लेकिन इन सबसे बढ़कर आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए Wisdom helps you to make the trial to glorify God एंड मेक्स इट प्रॉफिटेबल बुद्धि ही ऐसा है कि आप इन सारी परीक्षाओं में भी परमेश्वर को महिमा देते हैं और इन सारी बातों के द्वारा आप निश्चय ही लाभ प्राप्त करते हैं यू नीड विजडम आपको बुद्धि की जरूरत होती है व्हेन गॉड अलाउस ट्रायल्स इन आवर लाइव्स वी नीड टू प्रे फॉर विजडम जब परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षाओं को आने देते हैं तो हमें बुद्धि के लिए प्रार्थना करनी चाहिए यू नो विजडम इज नॉट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वी हैव बुद्धि तो हमारी पढ़ाई लिखाई की योग्यता के बारे में नहीं है एंड समटाइम्स वी हैव सो मेनी डिग्रीज एट द बैक ऑफ आवर नेम्स वेरी वेरी वाइस पर्सन देखिये कई बार हमारे नाम के सामने बहुत सी डिग्रिया होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं की मैं जो हूं मैं तो सच में बहुत ही बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हूँ बट एक्चुअली हाव यू एक्सरसाइज द नॉलेज हाउ यू

नहीं है लेकिन सच में वो बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं सम ऑफ द वेरी पुअर अनएजुकेटेड फैमिलीज दे रन देयर लाइफ सो ब्यूटीफुली। बहुत से गरीब और कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग अपने परिवार को बहुत ही अच्छी तरह से चलाते हैं। people, people life, समाज में ऐसे बहुत से साधारण लोग हैं वो अपने सारे कामों में बुद्धि का उपयोग करते हैं और अच्छे से जीते हैं यू डू नॉट फिलोसॉफिकली इंक्लाइंड टू When तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि बुद्धि का मतलब ये है कि जब भी जरूरत हो उस समय हम सही रीति से ज्ञान का उपयोग कर सकें। देखो उट you know, uh, the, the world जब हम बुद्धि के बारे में बारे में भी निश्चय बताती है वर्ल्ड परमेश्वर की ओर से बुद्धि है और निश्चय ही संसार की ओर से बुद्धि है You may be wondering what is this you're talking about? शायद आप सोच रहे होंगे आप किसके बारे में कह रहे हैं

कम टू एन एंड और इसलिए कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये जो बुद्धि है वो खत्म हो जाएगी come to और वो तो बिल्कुल शून्य हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर जो बुद्धि देते हैं वो तो हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी यू नो इन बाइबल देर वॉज अ पर्सन रिस विजडम विदाउट लिमिट बाइबल में एक मनुष्य है जिसने असीमित रीति से यही बुद्धि प्राप्त की थी एंड गॉड फॉर the king दोलर तो राजा सुलेमान ने परमेश्वर से यह बुद्धि मांगी थी एंड ही सैड लॉर्ड मी द विजडम टू मैनेज एंड टू रूल द पीपल यू हैव गिवन टू मी प्रभु जो प्रजा तूने मुझ पर दी है उन पर राज करने के लिए मुझे बुद्धि दे एंड विजम बिकेम

और हम यहाँ पर शीबा देश की रानी के बारे में कह रहे हैं जो कि सुलेमान के पास आई थी उसने आकर सुलेमान की बुद्धि को देखा था Heard about it. उसके बारे में सुना था She was really surprised. और वो तो सच में हैरान हो गई थी। She praised Solomon for his wisdom. उसने सुलेमान की बुद्धि तारीफ भी की लेकिन मत्ती सुंदर रीति से कहता है कि सुलेमान से भी जो बड़ा है वो तो यहाँ पर है What do we mean by that? इसका क्या अर्थ है? Wisdom, wisdom यानी जो बुद्धि से भरा है जिसमें ज्यादा बुद्धि है वो तो यहाँ पर है And बडी इज पेंग अटेंशन टू हिम और कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है डे फ्रेंड्स विजडम इज अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग गॉड फॉर हु ही इज एंड वट ही ड परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करता है इसके बारे में समझ रखना यही तो मेरे प्यारे दोस्तों बुद्धि होती है इट इज फॉर आवर लाइफ फॉर आवर प्रैक्टिकल लाइफ इट इज गिवेन टू अस ये हमारे जीवन के लिए व्यवहारिक जीवन के लिए ये हमें दिया गया है इन ऑफ दर्स वी रेड इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जो वचन हमने पढ़ा ये बहुत बहुत दिलचस्प है he says, if lacks wisdom, let him ask God. उसने कहा जिसमें बुद्धि की कमी हो तो वो निश्चय ही परमेश्वर ऐसी मांगे

By deeds done in the humility that comes from wisdom. But if you harbor bitter envy and selfish ambition in your hearts, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven but is earthly, unspiritual, demonic. तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरुद्ध में घमंड न करना

और ये कहता है कि ये जो बुद्धि है वो स्वर्ग से नहीं है बट लेकिन ये तो पृथ्वी की है और ये आत्मिक नहीं है और ये दुष्ट आत्माओं से है to your trials, to face your trials, you need आपकी परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए उनका सामना करने के लिए आपको बुद्धि की जरूरत है एंड आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ टू गेन और मैं बताना चाहता हूँ कि आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं एंड जेम्स वेरी clearly i uh, emphasizes that idea. और याकूब इस विचार को बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है james very clearly talks about uh, in the section that we read from verses 5 to 8 first of all that the source of wisdom is god himself याकूब अध्याय एक वचन पांच से आठ में याकूब यहाँ पर हमें बहुत ही स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर की बुद्धि का जो स्रोत है वो तो स्वयं परमेश्वर ही है so What you have to do is,

The way God wants. जो व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में सचेत है वो जैसे परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार अपने जीवन को वहाँ पर मिलाएगा बताना चाहता हूँ कि वही तो बुद्धि का स्रोत है और वो केवल बुद्धि का स्रोत ही नहीं लेकिन वो तो ऐसा है जिसमें बहुतायत की बुद्धि है But उसके पास जो बुद्धि है उसे हम नहीं समझ सकती है इन द बुक ऑफ रोमी थ्री रीड दोम ग्यारह वचन तैतीस में हम इसके बारे में पढ़ती है oh,

विम ऑफ गॉड एंड नो ओ दिस की हम कभी इतनी गहराई में नहीं जा सकते कि जाने कि ये परमेश्वर की बुद्धि और ये परमेश्वर के पास है। In the book of Romans, chapter 16 वचन 27, 27 में देखिए be glory थ्रू जीसस क्राइस्ट Christ, Amen। उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगान युग महिमा होती रहे डिस्क्रिप्शन बाइबल Bible. Bible के परमेश्वर के बारे में यहाँ पर कितना अच्छा विवरण है to the only wise God. ये तो केवल उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर के लिए परैक गॉड यदि आपको बुद्धि की कमी है तो परमेश्वर ऐसी मांगी गिवस यू जेनरिस्टली और वो आपको उदारता से देता है And that's what I want to say next. मैं बस आगे यही तो कहना चाहता हूँ It says clearly God grants the wisdom generously. ये कहता है कि परमेश्वर बहुत ही उदारता से बुद्धि देते हैं बांटते हैं you know, James talks a lot about wisdom. याकूब बुद्धि के बारे में बहुत कुछ कहता है you know, in सच में यहूदी लोग तो बुद्धि में बहुत ही दिलचस्पी लिया करते थे you know, you the, uh, the आप पुराने नियम की कविता की किताबों को ध्यान से देखिए एंड यू हैव है इसमें देखिए नीति वचन है ऑफ यहाँ पर बहुत ही बुद्धिमानी की कहावतें बताई गई हैं। एंड पीपल गिव गिवे ऑफ इम्पोर्टेंस टू द बुक ऑफ प्रोवर्ट और लोग नीति वचन की किताब को बहुत ही महत्व देते हैं

जोसफ uh, परमेश्वर ने यूसुफ को बुद्धि दी इस तरह से हम यहां पर देखते हैं टू टू स्पीक कि वो फिरौन से बातें करें टू इंटरप्रेट इज ड्रीम कि उसके सपनों का वो अर्थ बता सके यू नो इवन वेन जोसफ ऑज गोइंग एंड इंटरप्रेटिंग ड्रीम्स ही वेरी क्लियरली थरली दैट ही इज डूइंग इट फिर सपने का अर्थ बता रहा था तो उसने ये बात मान ली कि वो परमेश्वर की मदद के द्वारा ही से कर रहा है एंड दट वेरी इंपॉर्टेंट हियर सो वॉट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इस रेडी टू गिव दैट विजडम यू एंड आई नीड टू जस्ट आस्क हिम ये बात तो बहुत ही स्पष्ट है कि अगर हम परमेश्वर की बुद्धि पाना चाहते हैं तो निश्चित हमें जाकर उससे ये बुद्धि मांगनी चाहिए जब आप परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा बातें करते हैं तो कोई भी खड़े रहकर आपको चुनौती नहीं दे सकता है काम अध्याय छह वचन दस ऐसी बारह में एक और उदाहरण गॉड वेरी बोल बोल्डली स्टीफनस तो बहुत ही साहस के साथ परमेश्वर का वचन बता रहा था एंड द विजडम ही हैड इज फ्रॉम द स्पिरिट ऑफ गॉड और उसने जो बुद्धि प्राप्त की थी वो तो परमेश्वर की आत्मा से थी इन द 10th वर्स ऑनवर्ड्स वी रीड लाइक दिस बट दे कुड नॉट स्टैंड अप अगेंस्ट द विजडम द स्पिरिट गिव हिम एज ही स्पोक देन दे सीक्रेटली पर्सुएडेड सम मेन टू से वचन इस इस तरह से कहता है, परंतु उस उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वो बातें करता था, वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध में निंदा की बातें कहते सुना है वचन इस तरह से कहता है सो गॉड ग नॉट एबल टू रिप्लाई टू हिम अप्रोस हिम परमेश्वर ने स्तफन को यह सब बोलने के लिए बुद्धि दी और यह कहता है कि जो लोग वहां पर थे वो किसी तरह से का सामना नहीं कर पाए। गॉड गिव परमेश्वर इस तरह की बुद्धि हमें देते हैं today, क्या आज आपको ऐसे बुद्धि की जरूरत है faith, क्या आप अपने विश्वास के बारे में गड़बड़ी में है कि मैं लोगों को किस तरह से जवाब दे सकता हूँ वेन पीपल क्वेश्चन यू अबाउट कमिंग क्वेश्चन यू अबाउट क्वेश्चन यू अबाउट यू नो गॉड how uh, how how am i going to answer? जब लोग दूसरे आगमन के बारे में या फिर परमेश्वर के बारे में या दूसरी बातों के बारे में सवाल पूछते हैं तो फिर मैं उन्हें कैसे जवाब दूंगा my dear friends, pray and ask god for wisdom मेरे प्यारे दोस्तों आप प्रार्थना कीजिए और आप परमेश्वर से बुद्धि मांगिए read his word उसके वचन को आप पढ़िए you know uh, jesus has predicted that we will be taken before people कहा कि लोग हमें न्यायालय में खड़े करेंगे और वो हमसे सवाल पूछेंगे वो हम पर निश्चित दूसरे दोष लगाएंगे दे you they may persecute you शायद वो आपको देखते चले जाएं शायद वो आपको इस तरह से सताते चले जाएं कहानाल में जेल में डालेंगे you may have to stand before the और शायद तुम्हें गवर्नर के सामने खड़े रहना होगा बट इट डोंट वरी और वो कहता है की तुम चिंता मत करो डोन्ट वरी अबाउट वॉट यू से तुम्हे क्या कहना है इसके बारे में तुम चिंता न करो आई लाइक इन ट्वेंटी फर्स्ट चैप्टर ऑफ लुक लू का अध्याय इक्कीस वचन पंद्रह को हम यहाँ पर पढ़ते हैं for I will give you words and wisdom that none of your adversaries will be able to resist or contradict. क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे इस तरह से यहाँ पर यह वचन कहता है oh, what a अश्योरेंस इज गिविंग टू आर देखिए वो हमें कितनी महान शाश्वती देते वट आर प्रॉमिस दिस कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है पीपल फॉर माई नेम से Don't worry about what you are going to say. वो कहता है जब मेरे नाम के लिए तुम्हें लोगों के सामने खड़ा किया जाएगा चिंता मत करना कि क्या कहूँ। I will give you the wisdom. मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। I will give you the word. मैं तुम्हें शब्द दूंगा। And none of your adversaries will be able to contradict that. और कोई भी तुम्हारा विरोधी उसके ऊपर कभी जय नहीं प्राप्त कर सकेगा। This God

टल टू uh, receive the blessings from God. बुद्धि मांगते समय अगर हम में विश्वास की कमी है तो निश्चित हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं And he says very clearly, the one who doubts और वो कहता है कि जो संदेह करता है वो ये अपेक्षा ना करे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा Therefore, asking is important. और इसलिए मांगना महत्वपूर्ण है बट हाउ वी शुड ask? लेकिन हमें कैसे मांगना चाहिए ask in full faith. हमें पूरे विश्वास से मांगना चाहिए And

रिडम्शन एंड होलीनेस वो हमारा ज्ञान यानी बुद्धि है वही हमारी धार्मिकता पवित्रता और छुटकारा है this this, अगर आप ये सोच रहे या आदमी ऐसा क्यों बता रहा है Friends, again, दोस्तों मैं आपको फिर बताऊँ हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए याकूब हमें यही सिखाता है uh, uh, क्यूँकी हम तो परीक्षाओं से दूर नहीं है प्रतिदिन उनका सामना करते हैं और आपको बुद्धि चाहिए आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए मांगियेम उससे प्रार्थना कीजिए फेथ और वो भी विश्वास में गॉड ब्लेस यू टूडे आज परमेश्वर आपको बहताय से आशीष स्टडी दर्ड ऑफ गाइवेट एंड पर्सनल वे थ्रू अवर ऑनलाइन स्टडी वेबसाइट कॉन्टेक्ट नंबर